हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेन सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं हाई स्कूल सिलेबस में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले क्रम में। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रोनाउन की। तो नाउन हम ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और प्रोनाउन के जो डिफरेंट भेद होते हैं वो भी आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है पिछली क्लास में, और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। तो एक बार हम फिर से रिमाइंड करा दे रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन में वैसे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन के भी तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? एक फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पर्सनल प्रोनाउन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अर्थात संकेत वाचक सर्वनाम। तो संकेत वाचक सर्वनाम में ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं जैसे जिससे दिस हुआ, दैट हुआ, दीज हुआ, दोज हुआ। तो ये दिस, दैट, दीज और दोज ये आते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव या संकेत वाचक सर्वनाम में। जब किसी चीज की ओर संकेत किया जाता, इशारा किया जाता है, तब वहां हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जब किसी एक वस्तु के लिए यूज किया जाता तब वहां और नजदीक हो, एक वस्तु के लिए हो और नजदीक हो तब हम वहां दिस यूज करते हैं, और सिंगुलर के लिए जब दूर की कोई चीज दिखानी होती है तब वहां हम दैट यूज कर लेते हैं। लेकिन जब संख्या ज्यादा होती है तब नजदीक के लिए हम दीज यूज कर लेते हैं और दूर के लिए हम दोज यूज कर लेते हैं। तो आइए बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम संकेत वाचक सर्वनाम बोलते हैं, जब दिए गए आपके सेंटेंस में दिस है, दैट है, दीज है और दोज, तो ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कौन कौन से? दिस हुआ, दैट हुआ और आपका दीज हुआ और दोज। तो ये वर्ड जब किसी सेंटेंस में अकेले आए होंगे, अकेले आए होने का मतलब ये नहीं कि केवल सेंटेंस में दिस होगा बस सेंटेंस पूरा हुआ, भाई दिस से तो सेंटेंस पूरा नहीं होगा, सेंटेंस में और चीजें होंगी। अकेले होने का मतलब ये हुआ कि इस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ कोई नाउन ना दिया हो, जैसे दिस इज अ बुक लिखा हुआ है तो यहां हम कह सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। लेकिन अगर दिस के साथ कोई नाउन यूज कर दिया गया, जैसे दिस बुक इज माइन या दिस बुक इज योर्स, ये तुम्हारी पुस्तक है या ये मेरी पुस्तक, तब दिस के साथ जब बुक ऐड कर दिया गया या दिस के साथ जब नाउन यूज कर लिया गया उस कंडीशन में फिर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होकर के फिर वो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो डिफिनेशन में देखते हैं क्या दिया गया है। जब दिस, दैट, दिस हो, दैट हो, दीज हो, दोज हो, अकेले प्रयुक्त हो, यहां पर अकेले प्रयुक्त होने का मतलब सिर्फ यही है कि इनके साथ कोई नाउन यूज ना हुआ हो या इनके साथ कोई नाउन प्रयुक्त ना किया गया हो। जब अकेले प्रयुक्त होते हैं तो वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जब सेंटेंस में दिस, दैट, दीज, दोज अकेले प्रयुक्त हो, अर्थात इसके साथ कोई नाउन यूज ना हुआ हो, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तथा यदि, और मान लीजिए वो अकेले प्रयुक्त ना हो करके उनके साथ कोई नाउन प्रयुक्त होता है, मान लीजिए उनके साथ कोई ना कोई नाउन प्रयुक्त कर दिया गया है, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अगर दिस बुक कह दिया गया तो यहां पर दिस के साथ बुक लगा दिया गया, अर्थात दिस के साथ नाउन ऐड कर दिया गया, तब यहां डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होकर के डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा वो। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। मान लीजिए सेंटेंस आपका दिया हुआ है दिस बुक इज गुड या दिस बुक इज माइन कह लो। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। हम ये कह सकते हैं कि यहां पर हम पाते हैं कि दिस हमारा अकेले यूज हुआ, अर्थात इसके साथ कोई नाउन यूज नहीं हुआ है। तो जब सेंटेंस में दिस हो, दैट हो, दीज हो, दोज हो, ये अकेले प्रयुक्त हो, अकेले का मतलब इनके साथ कोई नाउन प्रयुक्त ना हुआ हो, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये क्या कहलाता है आपका? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
ये हमारा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। मान लीजिए यही सेंटेंस है कि दिस बुक इज गुड, मान लीजिए दिस बुक इज गुड, ये किताब अच्छी है, दिस बुक इज गुड, दिस बुक इज गुड। मान लीजिए सेंटेंस हमारा ऐसे दिया हुआ है कि दिस बुक इज गुड, तो यहां हम पाते हैं कि दिए गए डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ नाउन जुड़ा हुआ है, दिस के साथ क्या जोड़ दिया गया, नाउन। तो इस कंडीशन में अब ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन ना हो करके डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो दिस के साथ जब बुक लग जाए, या दिस हुआ, दैट हुआ, दीज हुआ, दोज हुआ, जब अकेले यूज होंगे तब तो ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, लेकिन अगर इनके साथ कोई नाउन ऐड कर दिया जाएगा तब ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन ना कहला के आप ये कह सकते हो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यहां पर डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा ये। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ दीज आर माई चेयर्स, दीज आर माई चेयर्स, ये कुर्सियां किसकी हैं, मेरी हैं। मान लीजिए दिया हुआ है दीज चेयर्स, दीज चेयर्स आर माइन, दीज चेयर्स आर माइन। अब यहां भी हम देखते हैं कि दीज के साथ, दीज अकेले नहीं यूज हुआ है, दीज के साथ चेयर्स भी जुड़ा हुआ, अर्थात डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो था उसके साथ नाउन जोड़ दिया गया। अब ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहलाएगा बल्कि ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया, क्यों, क्योंकि दीज के साथ चेयर नाउन भी जोड़ दिया गया। तो दी चेयर्स आर माइन, ये कुर्सियां मेरी हैं। तो यहां पर ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन ना कहलाकर ये कहलाएगा डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये सेंटेंस जो है इसमें जो दी चेयर्स हैं ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होकर के डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ। मान लीजिए दिया हुआ है सेंटेंस कि दीज आर चेयर्स, या दीज आर माई चेयर्स कह लो, दीज चेयर्स आर माइन कह लो, या इसी को आप ऐसे कह सकते हो कि दीज आर माई चेयर्स, दीज आर माई चेयर्स, ये मेरी कुर्सियां। चाहे ये कहो कि ये कुर्सियां मेरी हैं तब दीज चेयर्स आपका डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, लेकिन अगर इसी को हम ऐसे कहें कि दीज आर माई चेयर्स, तो यहां हम पाते हैं कि दीज के साथ नाउन ऐड नहीं हुआ है, तो ये हमारा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और अगर दीज, दोज, दैट, दिस इनके साथ नाउन जुड़ जाएगा तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, और अगर ये वर्ड अकेले यूज हुए हैं तो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। तो ये हुआ हमारा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक बार फिर हम आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि अगर डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन में संकेतवाचक शब्द यूज किए जाते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज और दोज, तो ये तो आपको पता है कि कब दीज यूज होता है कब दोज। नजदीक चीजें ज्यादा हैं तो दीज, और दूर में कोई ज्यादा चीजें दिखानी है तो दोज का प्रयोग हम करते हैं। एक वस्तु को नजदीक में दिखाना होता हम दिस यूज करते हैं, दूर कोई एक वस्तु दिखानी होती हम दैट यूज करते हैं। तो अगर ये दिस, दैट, दीज, दोज ये अकेले यूज होते अर्थात इनके साथ नाउन यूज नहीं होता तब तो ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, लेकिन अगर इन्हीं वर्ड के साथ नाउन जोड़ दिया जाता तो ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं, फिर ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहलाते, ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ये तो बात हुई डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन की। तो अब डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद अगले क्रम में हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्न सूचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसा प्रोनाउन जो सेंटेंस में प्रश्न पूछने का काम करे, या दिए गए सेंटेंस में जो प्रश्न पूछने का काम करे वो प्रोनाउन, या जो वर्ड प्रश्न का काम करे या प्रश्न पूछने का काम करे वही वर्ड हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि जो प्रोनाउन, ऐसा कोई प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, या ऐसे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, ऐसे प्रोनाउन को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं या कौन कौन से
प्रोनाउन ऐसे हैं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो जैसे WH वर्ड जो हैं, जैसे हु हुआ, व्हाट हुआ, हुम हुआ, हुज हुआ, हुच हुआ, तो ये सारे जो वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, हम कह सकते हैं कि ये दिए गए WH वर्ड्स जो हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। क्यों? क्योंकि दिए गए सेंटेंस में ये वर्ड जब यूज़ किए जाते हैं तो इन वर्ड्स का काम ही होता है प्रश्न पूछना। अब इसमें जो हु है, हुम है और हुज है, ये तीन वर्ड्स जो हैं, हु हुआ, हुम हुआ और हुज, ये प्रायः व्यक्तियों के लिए यूज़ किए जाते हैं। हु हुआ, हुम हुआ और हुज हुआ, ये प्रायः व्यक्तियों के लिए यूज़ किए जाते हैं। हमारा जो वर्ड हुच है, ये हुच सजीवों के लिए या व्यक्ति के लिए भी यूज किया जाता है और निर्जीव वस्तुओं के लिए भी यूज कर लिया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं ये सजीव के लिए और निर्जीव दोनों के लिए यूज कर लिया जाता है, व्यक्तियों के लिए अर्थात किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी वस्तु के लिए हुच का प्रयोग किया जाता है, मतलब ये दोनों में यूज कर लिया जाता है। अब बात करते हैं हम व्हाट की। तो व्हाट जो है, इस व्हाट का प्रयोग हम किसी वस्तु या व्यवसाय के बारे में प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि व्हाट का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है, किसी वस्तु के लिए या किसी व्यवसाय के लिए व्हाट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, व्हाट डू यू लाइक, तुम क्या पसंद करते हो। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या हैं, अर्थात यहाँ व्यवसाय पूछ लिया गया। व्हाट इज योर फादर, व्हाट डू यू लाइक, तुम क्या पसंद करते हो। व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर मदर, व्हाट इज योर ब्रदर। तो यहाँ पे व्हाट जो है तो प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन यहाँ पे व्हाट व्यवसाय के लिए यूज किया गया और व्यवसाय के साथ साथ ये वस्तु के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं और इनका काम ही है प्रश्न पूछना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, लिखा हुआ है हु इज दिस, मान लीजिए सेंटेंस दिया हुआ है हु इज दिस, Who is this? Who is this? ये कौन है? तो यहाँ पे हम पाते हैं कि who का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। Who का प्रयोग किसके लिए किया गया है? प्रश्न पूछने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं who का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया गया है और who प्रश्न पूछने के लिए सेंटेंस में who का प्रयोग किया गया, तो ये who क्या है? हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दूसरा मान लीजिए क्वेश्चन है कि whom do you love, तुम किसे प्रेम करते हो। whom, whom do you love, whom do you love, तुम किसे प्रेम करते हो। यहां भी हम पाते हैं कि ये जो whom है वो भी किसी व्यक्ति के लिए यूज किया गया है, अर्थात किसी सजीव व्यक्ति के लिए किया गया है कि whom do you love, तुम किसे प्रेम करते हो, अर्थात जिसे भी प्रेम करता होगा या तुम जिसे भी प्रेम करते होंगे वो सजीव है यहाँ पे इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो whom का प्रयोग सजीव के लिए किया गया, who का प्रयोग सजीव के लिए किया गया। अब बात करते हैं हुज की। जैसे हुज आर दीज बुक्स, ये पुस्तकें किसकी हैं, मान लीजिए सेंटेंस दिया है हुज आर दीज बुक्स, हुज, हुज आर दीज बुक्स, हुज आर दीज बुक्स, आप कह सकते हैं ये पुस्तकें किसकी हैं। तो यहां पर भी प्रश्न पूछने के लिए ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जो वर्ड प्रश्न पूछने के लिए यूज किया गया है, तो ये वर्ड्स हु हुआ, हुम हुआ, हुज हुआ, ये वर्ड्स सेंटेंस में प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, तो ये वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब बात करते हैं जैसे हुच की। तो जैसा बताया गया कि हुच का प्रयोग हम सजीव के लिए भी करते हैं और निर्जीव के, अर्थात व्यक्तियों के लिए भी किया जाता है और वस्तुओं के लिए भी हुच का प्रयोग कर लिया जाता। जैसे कहा गया हुच इज हिज पेन, हुच इज हिज पेन, हुच इज हिज पेन, हुच, हुच इज हिज पेन। अब यहां पर हुच इज कौन सा है, हिज पेन उसका कौन सा पेन है या उसका पेन कौन सा है। तो यहां हुच किसके लिए यूज किया गया, पेन के लिए। तो आप कह सकते हैं हुच यहां किसके लिए यूज किया है, किया गया है वस्तु के लिए। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, हुच इज योर सिस्टर, या तुम्हारी बहन कौन सी है। हुच इज योर सिस्टर, सेंटेंस मान लीजिए दिया हुआ है हुच इज योर सिस्टर, हुच इज योर
सिस्टर रीता और गीता, रीता और गीता तुम्हारी बहन कौन सी है, रीता है या गीता है। तो यहां भी हम देखते हैं हुच का प्रयोग किया गया है। तो ये वाला हुच जो है ये वस्तु के लिए यूज किया गया, अर्थात आप कह सकते हैं ये हुच नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया गया है, जबकि ये हुच जो है ये लिविंग थिंग के लिए अर्थात लिविंग बीइंग के लिए यूज किया गया। तो जैसा बताया गया था कि हुच जो है ये दोनों लोगों के लिए यूज किया जाता है, दोनों के लिए मतलब वस्तु के लिए भी और लिविंग के लिए भी और नॉन लिविंग के लिए भी हुच यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं व्हाट की। तो व्हाट जैसा कि बताया गया था वस्तु के लिए यूज किया जाता है और व्यवसाय के लिए भी यूज कर लिया जाता। मान लीजिए सेंटेंस हमारा है व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट तुम क्या चाहते हो। यहां भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है वो कौन सा है, व्हाट। तो तुम क्या चाहते हो अर्थात ये वस्तु के लिए यूज किया गया, ये व्हाट जो है ये किसके लिए यूज किया गया, किसी वस्तु के लिए, कि व्हाट डू यू वांट तुम क्या चाहते हो, अर्थात जो चाहते हो वो कोई ना कोई वस्तु होगी। तो व्हाट डू यू वांट, तो यहां पे व्हाट का यूज किसके लिए किया गया है, वस्तु के लिए। अब एक दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं जिसमें क्लियर हो जाएगा कि व्हाट का प्रयोग जैसे व्यवसाय के लिए कैसे किया जाता। व्हाट इज योर फादर तुम्हारे पिताजी क्या हैं, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ ऑक्यूपेशन के लिए व्हाट यूज किया गया। तुम्हारे पिताजी क्या हैं, तुम्हारे पिताजी एक डॉक्टर हैं, कि तुम्हारे पिताजी एक टीचर हैं, कि तुम्हारे पिताजी एक फार्मर हैं। तो प्रश्न पूछा गया कि व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या हैं। तो यहाँ पे क्या का जवाब जो मिलेगा वो किससे रिलेटेड होगा, वो रिलेटेड होगा ऑक्यूपेशन से। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं, ये वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि दिए गए सेंटेंस में ये वर्ड प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, और जिनमें ये जो हु है, हुम है, हुज है, ये वर्ड सामान्यतः व्यक्तियों के लिए यूज किए जाते हैं। आपका जो वर्ड हुच है वो भी है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही, लेकिन वो सजीव के लिए भी अर्थात लिविंग बीइंग के लिए और साथ साथ नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज किया जाता है। इसके बाद आपका आता है व्हाट। तो व्हाट का प्रयोग अमूमन आप कह सकते हो व्यवसाय के लिए भी होता है, वस्तु के लिए भी होता कुल मिला के नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो इस तरह हम पर्सनल प्रोनाउन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ लिए। तो आइए अब आगे देखते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन की। तो अगला क्रम में हमारा है इनडेफिनिट प्रोनाउन। आइए देखते हैं कि इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि आखिर इनडेफिनिट प्रोनाउन होते कौन से हैं। तो जिन प्रोनाउन से, ऐसे प्रोनाउन जिनसे किसी निश्चित वस्तु, जिनसे किसी निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति का बोध ना हो, या आप ये कह सकते हो कि ऐसे प्रोनाउंस जिनसे किसी निश्चित वस्तु या किसी निश्चित व्यक्ति का बोध ना हो, या ऐसे वर्ड्स जो किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का बोध करा पाने में अक्षम हो, अर्थात निश्चित किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध ना करा पा रहे हो, तो ऐसे प्रोनाउन इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। ऐसे प्रोनाउन इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। तो जैसे कुछ वर्ड्स हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन में यूज किए जाते हैं, जैसे आपका यहाँ वन है, नन है, दे है, आल है, मेनी है, फ्यू है, सम है, डॉट 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 इटीसी, मतलब ऐसे और कई सारे वर्ड्स हैं जो इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। अर्थात ये वर्ड्स ऐसे हैं जो एग्जैक्ट किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का बोध करा पाने में सक्षम नहीं होते, अर्थात एग्जैक्टली ये व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करा पाते कि वो कितने हैं और कौन है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं, पहले तो हम सिर्फ डिफिनेशन देख लेते हैं। तो आप ये कह सकते हैं डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कि ऐसे प्रोनाउन जो किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध ना करा पाए या निश्चित किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध करा ना पाए, ऐसे वर्ड्स या ऐसे प्रोनाउन इनडेफिनिट प्रोनाउन
कहलाते हैं। तो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो अमूमन यूज किए जाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पे, वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे आपका वन है, नन है, दे है, इसी तरह कई सारे वर्ड्स कुछ दिए गए हैं, कुछ और भी हैं। ऐसा नहीं कि इतने ही वर्ड्स हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में, और कई वर्ड्स हैं और सारे बोर्ड पे दे पाना पॉसिबल नहीं, तो इसलिए कुछ वर्ड्स यहाँ दे दिए गए हैं। तो जैसे वन, हम किसको ले लेते हैं, वन को ले लेते हैं। मान लीजिए वन एक ऐसा इनडेफिनिट प्रोनाउन है कि वन का अर्थ एनी पर्सन, तो वन से आप ये क्लियर नहीं कर पाते कि वन जो यूज किया गया है वो किसके लिए किया गया, क्योंकि वन का अर्थ एनी पर्सन होता है, कोई भी व्यक्ति के लिए हम वन यूज कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, टू जेड कोई भी व्यक्ति हो, राम श्याम गीत, सोहन मोहन रोहन कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए हम वन यूज करते हैं। तो वन का मतलब हुआ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के लिए हम वन यूज कर सकते हैं। तो वन का अर्थ है एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, और एवरी पर्सन, और वन का प्रयोग एवरी पर्सन के लिए भी होता, एक के लिए भी यूज होता, और पूरे गांव वालों के लिए भी यहां यूज कर दिया गया। कहने का अर्थ हुआ कि वन का प्रयोग हमारे गांव के किसी एक व्यक्ति के लिए भी किया जाता, और जब पूरे गांव की बात की जाए तो भी वन यूज कर देते हैं। तो यहां वन ये क्लियर नहीं कर पाता, या वन से इस चीज का स्पष्ट एहसास या बोध नहीं हो पाता कि ये वन जो यूज किया गया वो एक के लिए यूज किया गया या पूरे ग्रुप के लिए, पूरे समूह के लिए यूज किया गया। तो जैसे वन का अर्थ होता है एनी पर्सन, किसी एक व्यक्ति के लिए भी वन यूज किया जाता, या एवरी पर्सन, या प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी वन ही यूज किया जाता। जब वाक्य में वन सब्जेक्ट हो, मान लिए कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उस सेंटेंस में वन को सब्जेक्ट बना लिया गया, वन को उस सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर बनाया गया है, तो जब उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी, उस वन की अपने की अंग्रेजी, अर्थात यहां जब प्रोनाउन यूज किया जाएगा, तो यहां प्रोनाउन हम वंस यूज करते हैं, लेकिन वो वंस ये क्लियर नहीं कर पाता कि ये बात एक के लिए की गई है कि सबके लिए की गई है। तो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी। मान लीजिए सेंटेंस हमारा है, वन शुड डू, अब यहां हिज नहीं यूज कर सकते हम क्या यूज करेंगे, वंस, वन शुड डू वंस ड्यूटी। तो यहां पर अगर इस वन को हम एक मानते हैं, किसी मेरे गांव के किसी एक व्यक्ति की बात की अगर की गई, तो वन शुड, उस व्यक्ति को शुड डू वंस ड्यूटी, अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य करना, पूर्ण करना चाहिए। लेकिन जब ये वन शुड डू वंस ड्यूटी, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तो यहां पर ये जो वर्ड वन है ये क्लियर नहीं कर पा रहा कि यहां पे बात एक व्यक्ति की गई है कि सबके लिए बात की गई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ड वन है ये क्या है, ये हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ये वन क्या है, हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि ये डेफिनेटली कह नहीं पाता या बता नहीं पाता, एहसास बोध नहीं करा पाता कि जिसकी बात की जा रही वो एक है कि वो पूरे ग्रुप की बात की गई है, सबके प्रत्येक की बात की गई है। आइए अगला देख लेते हैं। जैसे यहां पे एनी वन या नन, दो वर्ड्स हैं ऐसे, एनी वन और दूसरा है नन, एनी वन और नन। तो एनी वन या नन का प्रयोग दो या दो से अधिक वस्तुओं के लिए किया जाता, तो जब दो के लिए यूज करना होता तो भी हम नन यूज कर लेते हैं, और जब 10 लोगों के लिए बात यूज करनी हो तो भी हम नन यूज कर लेते हैं। उसी तरह एनी वन है, जब दो की बात की जाए तो भी हम एनी वन यूज कर लेते हैं, और जब पूरे ग्रुप में बात की जाए किसी की तो भी हम एनी वन यूज कर लेते हैं। तो कुल मिला के कहने का अर्थ यह हुआ कि ये दो प्रोनाउन ऐसे हैं जो इस चीज को स्पष्ट बयान नहीं कर पाते कि कार्य जो प्रोनाउन यूज किया गया है जिसके लिए, वो संख्या में कितने हैं, दो हैं, चार हैं, छः हैं, आठ हैं, 10, इस चीज को ये क्लियरली डिस्क्राइब नहीं कर पाते, इसीलिए इन प्रोनाउंस को क्या कहा गया है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाने का प्रयास करते हैं, एनी वन, मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि नन ऑफ योर रिलेटिव्स, मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है नन ऑफ योर रिलेटिव्स केम हेयर,
none of your relatives came here. तो यहां हम पाते हैं none of your relatives, तुम्हारे relatives में से कोई नहीं केम हेयर, यहां आया। अब ये नहीं तय हो पाता कि ये जो नन यूज किया गया ये कितने रिलेटिव्स के बारे में कहा गया, कि पांच में से कोई नहीं, कि दस में से कोई नहीं, कि एक हजार में से कोई नहीं, ये क्लियर नहीं हो पाता कि ये कितने रिलेटिव्स में से नन की बात की गई। नन का मतलब एक चीज तो है कि कोई नहीं आया, लेकिन कितने रिलेटिव में से कोई नहीं आया, दो में से कोई नहीं आया, कि चार में से कोई नहीं आया, कि आठ में से कोई नहीं आया। सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि नन ऑफ योर रिलेटिव। तो यहां जो ये नन है, एक चीज तो ये तय करा रहा कि आया कोई नहीं, आने वाला कोई नहीं, मतलब आया कोई नहीं, लेकिन यह क्लियर नहीं हो पाता कि योर रिलेटिव कितने में से, नन ऑफ योर रिलेटिव, तुम्हारे रिलेटिव में से कोई नहीं आया, अर्थात कितने रिलेटिव में से कोई नहीं आया, ये जिक्र या ये स्पष्ट नहीं हो पाया, और कौन कौन नहीं आया ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया। तो नन ऑफ योर रिलेटिव केम हियर। अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे एनी वन ऑफ देम, अगला है एनी वन का प्रयोग, तो हम कहते हैं एनी वन ऑफ देम कैन डू दिस वर्क। तो एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई भी, यहां एनी वन यूज हुआ है इनडेफिनिट प्रोनाउन, तो हम कह सकते हैं कि एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई भी। तो यहां पे कौन, इस चीज का जिक्र नहीं किया गया कि उनमें से कौन कर सकता है इस काम को, राम कर सकता, मोहन कर सकता, सोहन कर सकता, ना ये नहीं बताएगा। ये कहा गया कि एनी वन ऑफ देम, उनमें से। अब किनमें से कितने लोग, इसका भी जिक्र नहीं है, बस इतना कहा गया कि एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई भी व्यक्ति कैन डू दिस वर्क, इस काम को कर सकता है। और कौन कौन कर सकता है, किसमें से कर सकता है, इस चीज का यहां कोई क्लियर जिक्र नहीं किया गया। तो हम कह सकते हैं कि नन हुआ, एनी वन हुआ, ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो इनडेफिनिट प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी व्यक्ति या वस्तु का स्पष्ट बोध नहीं कराते। अगला, जैसे मान लीजिए सम का यूज किया गया है, अगला हमारा प्रोनाउन कौन सा है इनडेफिनिट प्रोनाउन, सम। तो हम जानते हैं कि सम का प्रयोग हम अफर्मेटिव में करते हैं, सम का प्रयोग अफर्मेटिव में किया जाता है। एनी का प्रयोग हम निगेटिव में भी कर लेते हैं और इंट्रोगेटिव में भी कर लेते हैं। तो ये एक चीज है कि एनी जो है वो हमारे निगेटिव में भी यूज कर लेते हैं हम, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज कर लेते हैं, और सम का प्रयोग केवल हम अफर्मेटिव में करते हैं। ये तो बात हुई कि इनके प्रयोग की। अब इन चीजों को, जैसे कहा गया सम, तो सम का मतलब होता कुछ, लेकिन कुछ का मतलब कितना ये तय नहीं हो पाता। जैसे कहा गया कि सम, एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, मान लीजिए कहा गया सम वर किल्ड बाय द डकैट्स, सम वर किल्ड बाय द डकैट्स, सम वर किल्ड बाय द डकैट्स, कुछ लोग डकैट्स के द्वारा मार दिए गए। अब ये तो तय है कि कुछ लोग डकैट्स के द्वारा मारे गए, लेकिन अब इस सम से ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि डकैत के द्वारा मारे गए लोग कितने हैं, चार मरे, छह मरे, आठ मरे, दस मरे, इस चीज का यहां पे स्पष्ट कोई ज्ञान नहीं हो पा रहा। हाँ, ये कहा गया कि कुछ लोग डकैत के द्वारा, डकैतों के द्वारा कुछ लोग मार डाले गए। अब मरने वाले कितने हैं, इस चीज का स्पष्ट यहां ऐसा बोध नहीं हो पा रहा कि दो मरे, चार मरे, छह मरे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सम है ये एक प्रकार से क्या है, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि मारे गए लोगों की स्पष्ट जानकारी इस सम से हमको प्राप्त नहीं हो रही कि मारे जाने वाले लोग कितने हैं। अगला मान लीजिए, देखते हैं अगला एग्जाम्पल, Can any of you do this work? मान लीजिए यहां पूछा गया कि तुम में से क्या कोई इस काम को कर सकता है, तो can any of you do this work? Do this work?
क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे हम पाते हैं कि एनी का यूज जो हुआ है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हुआ है, और एनी का यूज हम निगेटिव में भी करते हैं। एनी का यूज निगेटिव में भी हो जाता है और इंट्रोगेटिव में भी हम करते हैं। अब कैन एनी ऑफ यू, यहां पे प्रश्न पूछा गया है कि क्या कैन एनी ऑफ यू, क्या तुम में से कोई डू दिस वर्क, इस काम को कर सकता। तो ये नहीं पूछा गया कि एनी का मतलब पूछा गया कि तुम में से क्या कोई इस काम को कर सकता, तो कोई का मतलब ये नहीं कि कितने लोगों में से पूछा गया है, और किससे पूछा गया है ये भी तय नहीं है कि किससे पूछा गया कि क्या तुम ये काम कर सकते हो। तो कैन एनी ऑफ यू, ये जरूर है कि कैन एनी ऑफ यू, क्या तुम में से कोई डू दिस वर्क, इस काम को कर सकता है। तो यहां पे ये क्लियर नहीं होता कि किससे पूछा गया है, कितने लोगों में से पूछी गई है ये बात। तो यहां पर एनी हम कह सकते हैं कि जो वर्ड एनी यूज हुआ है ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगले हम देखते हैं रूल में, जब इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ, जब इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ क्या आ जाता है, यहां पर नाउन छूटा हुआ है। कहने का अर्थ हुआ कि जब इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ यहां पे क्या लिखना है, नाउन आता है। आप ये कह सकते हैं कि जब इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ नाउन आता है तो वह एडजेक्टिव कहलाता है, अर्थात जब इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ कोई नाउन यूज कर लेते हैं तब वो प्रोनाउन ना हो करके फिर क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कहा गया कि ऑल आर इंटेलिजेंट, मान लीजिए एग्जाम्पल सेंटेंस में क्या कहा गया, ऑल आर इंटेलिजेंट, सब इंटेलिजेंट हैं। तो यहां पे जो ऑल आर इंटेलिजेंट कहा गया, तो यहां पे हम पाते हैं कि इंटेलिजेंट, यहां पर प्रोनाउन जो आल यूज हुआ है, इंडेफिनिट प्रोनाउन आल, तो यह चीज तय है कि सबके बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई, सबके बारे में, आल। लेकिन यह नहीं पता कि कितने लोगों के, सबके लिए कहा गया मतलब कितने लोगों के लिए कहा गया, ग्रुप में कितने लोग थे, 10, 12, 15, 20, 50, ये नहीं पता। हाँ, ऑल आर इंटेलिजेंट, जितने भी थे वो सब इंटेलिजेंट हैं। तो मान लीजिए किसी क्लास की बात की गई तो कहा गया ऑल आर इंटेलिजेंट, सब इंटेलिजेंट हैं। तो यहां पर ऑल आर इंटेलिजेंट हम पाते हैं कि यहां पर ये जो ऑल है ये क्या यूज हुआ है, ये हमारा प्रोनाउन है। ऑल क्या है यहां, प्रोनाउन। ऑल हमारा क्या है, प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि आल के साथ कोई नाउन, या जो ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है इसके साथ कोई नाउन यूज नहीं हुआ है, तो आल हम कह सकते हैं हमारा प्रोनाउन है। मान लीजिए यही एग्जांपल हम आल कैसे लिखते हैं कि आल बॉयज, इसी को हम क्या लिखते हैं, मान लीजिए आल बॉयज आर इंटेलिजेंट, All boys are intelligent, सभी बच्चे क्या है, इंटेलिजेंट। तो हम ये कह सकते हैं यहां all के साथ हमारे क्या यूज हुआ, boys। तो ये जो all है ये प्रोनाउन नहीं रह गया आप, क्योंकि all के साथ boys नाउन भी जुड़ गया, तो ये all boys जो है ये हमारा एडजेक्टिव बन गया कि सारे बच्चे, ये क्या बन गया हमारा एडजेक्टिव, सारे बच्चे क्या है, इंटेलिजेंट हैं। तो जब इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ नाउन यूज होता है तो वो एडजेक्टिव कहलाता है ना कि प्रोनाउन। यहां पे आल तो हमारा प्रोनाउन कहलाएगा क्योंकि आल जो है वो इनडेफिनिट प्रोनाउन है और इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ कोई नाउन यूज नहीं किया गया है, इसलिए आल क्या है, प्रोनाउन। लेकिन दूसरे सेंटेंस में आल जो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है उसके साथ नाउन जोड़ दिया गया, बॉयज, तो ये जो आल बॉयज है ये अब हमारा नाउन ना हो करके, अर्थात प्रोनाउन ना हो करके अब ये हमारा एडजेक्टिव कहलाता। तो ये तो बात हुई इंडेफिनिट प्रोनाउन की। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर आएंगे, फिर मिलेंगे और शेष बचे हुए प्रोनाउन के भेद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।